कोई भी बीमारी तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब उससे कई सारे लोग एक साथ बीमार पड़ने लग जाते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं। कोई हॉस्पिटल उतने ही लोगों को ट्रीट कर सकता है जितने कि उसके पास बेड्स हैं। मान लीजिए आपके लोकल हॉस्पिटल में किसी समय इतने बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ बेड्स अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों से ऑलरेडी भरे हुए हैं और यह ग्रीन डॉट एक स्वस्थ व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है जो कि रोज की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए अपने ऑफिस जाता है जहां उसे किसी अन्य व्यक्ति से COVID-19 का संक्रमण हो जाता है, पर उसे तुरंत अस्वस्थ महसूस नहीं होता और ऐसा भी हो सकता है कि उसे कई दिनों तक अस्वस्थ महसूस ना हो। इसलिए वह बाद में कोई शादी अटेंड करने जाता है जहां वह बिना जाने 2 या 3 लोगों को संक्रमित कर देता है। इनमें से ज्यादातर लोगों को अपेक्षाकृत माइल्ड केसेस जैसे साधारण सर्दी जुकाम ही होगा, पर उनमें से कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है जिसका केस सीवियर होने के चांसेस ज्यादा हैं और उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। पर ये 3 जो कि सारे ही संक्रमित हैं पर अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, ये फिर से बाहर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ऑफिस जाते हैं और बाहर घूमने जाते हैं, जिससे यह संक्रमण और लोगों में भी फैल जाता है, जिनमें से 20% लोगों को सीवियर केस होने के कारण हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में इस प्रोसेस से हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। देखते ही देखते यह संख्या हॉस्पिटल में बेड्स की क्षमता से ऊपर चली जाएगी और स्थिति विकट हो जाएगी। ऐसे में क्रिटिकल केसेस से डील ही नहीं किया जा सकता और कुछ सीवियर केसेस जिनको ट्रीटमेंट देकर बचाया जा सकता था उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सीवियर केसेस में आया यह उछाल ही कारण है इतने ज़्यादा लोगों के मरने का। साउथ कोरिया, ईरान और इटली में कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर सीवियर केसेस की संख्या 100 से 5000 पहुंचने में 2 हफ्ते से भी कम समय लगा। इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि उनको हॉस्पिटल में भर्ती ही नहीं किया जा सका। ध्यान रहे कि हम केवल सीवियर केसेस में उछाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस उछाल का मुख्य कारण वे लोग हैं जो स्वस्थ महसूस कर रहे थे और इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर इस संक्रमण को बिना जाने ही फैला रहे थे। इसका मतलब उन गैर जरूरी मौतों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो हैं ऐसे लोग, इसका मतलब हम सब। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आपको ऐसे एक्ट करना होगा जैसे आपके पास ऑलरेडी वायरस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज करके, भीड़भाड़ की जगहों और सामूहिक समारोहों में ना जाकर आप संक्रमण पाने और फैलाने दोनों के चांसेस कम कर देते हैं। इसी को सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। अगर हम में से अधिकतर लोग ऐसा करते हैं तो हम वायरस को रोक तो नहीं पर धीमा जरूर कर सकते हैं। इसके बावजूद समय के साथ कई लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जाएंगे, लेकिन रोजाना आने वाले सीवर केसेस की संख्या अपेक्षाकृत कम बनी रहेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। यह लाइन पैटर्न अब फ्लैट होता दिख रहा है जिससे सारे सीवियर केसेस को ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा और कम लोगों की मृत्यु होगी। COVID-19 के संक्रमण फैलने के ये 2 तरीके हैं, लेकिन यह तरीका तभी काम करेगा जब हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स फ्लैटन द कर्व की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग काम करती है, इस चीज का ताजा उदाहरण है चाइना, जहां पर प्रभावी तरीके से COVID-19 को कंटेन किया गया है। वुहान शहर का टोटल लॉकडाउन करने से वहां पर अब लगातार केसेस की संख्या कम होती जा रही है। 19 मार्च को पहली बार चाइना में COVID-19 का एक भी नया डोमेस्टिक केस नहीं मिला। सन 1918 में ऐसा ही एक उदाहरण स्पेनिश फ्लू के फैलने पर सामने आया था। US के 2 शहर फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस फ्लू की चपेट में थे। फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम विश्व युद्ध के जवानों के लिए चंदा इकट्ठा करने की एक परेड होने वाली थी। शहर के मेयर को एक्सपर्ट्स ने सलाह दी कि इस परेड को कैंसिल कर देते हैं। मेयर ने इस परेड को काफी प्रेस्टीजियस और उनके सैनिकों के सम्मान के लिए जरूरी बताकर कैंसिल करने से मना कर दिया। लगभग 2 लाख लोगों ने इस परेड को अटेंड किया। वहीं से 1400 किलोमीटर दूर स्थित सेंट लुइस में लोगों में फ्लू के सिम्टम्स मिलने के 2 दिन के अंदर ही अधिकारियों ने स्कूल्स, थिएटर्स, बार्स, यहां तक कि चर्चेस भी बंद करा दिए। फिलाडेल्फिया में परेड को अटेंड करने वाले हजारों लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गए। वहां पर मरीजों की संख्या हॉस्पिटल्स की क्षमता से बाहर चली गई और 1 हफ्ते के अंदर 4500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं सेंट लुइस ने प्रभावी तरीके से अपनी मृत्यु दर को नीचे रखा। 100 साल बाद भी यही 2 सिनेरियोज हैं हमारे सामने।
अंतर इस बात से नहीं पड़ेगा कि आपको ये डिसीज होगी या नहीं, बल्कि इससे कि आपको ये डिसीज कब होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नमस्कार।